क्वेश्चन में बोला गया है इफ द फोर लेटर वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड दिस सच दैट फर्स्ट लेटर इज आर एंड फोर्थ लेटर इज ई. सबसे पहले इसको लिख लेते हैं. देखो एक एम है, ए डी आर टी, फिर से ई आर आर ए एन ई ए एन. ठीक है, अब आपको इससे चार लेटर वर्ड बनाना है. पहला तो आपके पास आर है और लास्ट वर्ड लास्ट लेटर है ई. अब देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रहा हूं. देखो आर और ई तो आपके पास इन्वॉल्व है, तो पहला केस मैं ले रहा हूं कि यहां भी अगर आर ही आ रहा है तो इस प्लेस के लिए देखो दो आर थे, दोनों खत्म हो गए. एम आ सकता है, ई डी आई टी ए एन, सात चॉइस है तो सात तरीके. प्लस ये आर है और यहाँ ई है. मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अगर ई आ रहा है इस प्लेस के लिए, देखिए एम आ सकता है, दो ई आ चुके हैं बट तीन ई है, ई भी आ सकता है, डी आई टी आर एन सब आ सकते, तो आठ तरीके ये हो गए. या फिर हम ऐसा बोल रहे हैं इस वाले प्लेस पे आपके पास ए या एन में से कुछ आ रहा हो, ए या एन में से, तो दो चॉइस है क्या. अब मान लीजिए ए आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो थर्ड प्लेस के लिए देखो एम भी अवेलेबल है, ई बी डी आई टी आर ए एन सब अवेलेबल है, तो आठ चॉइस यहां हो गई. और लास्ट केस हम ऐसा बोल रहे हैं कि इस वाले प्लेस पे आपके पास क्या क्या आ सकता है, एम डी आई टी, जो एक एक बारी है क्योंकि वो फिर सेकंड पे नहीं आ पाएंगे, यानी चार चॉइस है. तो देखो मान लीजिए एम आ गया यहाँ पे, एम नहीं आ सकता क्योंकि एक बारी है, ई से लेके एन तक वो सब आ सकते हैं क्या, ई भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, आई टी आर ए एन, तो सात चॉइस यहां से हो गई. इन सबको ऐड कर दो कितना बन रहा है, देखो 7 प्लस 8 प्लस 16 24 प्लस 1 31 प्लस लास्ट में 28 ये बन रहा है 59 यानी ऑप्शन बी. क्लियर.